कहाँ जाए गरीब आदमी, इसी से पांच को बच्चा पसा स्टैंड नहीं दे रहे हैं। अच्छा तो होबे किया प्रशासन, आप देखना शुरू कर दिए बीपीएस न्यूज और मैं हूँ संतोष कुमार पार्थ। बता दें कि हिलसा शहर में आए दिन जाम की समस्या बना रहता है, खाली रोड में ही एक जर्जर पुल है जिसके कारण और भी वहाँ जाम की समस्या बने रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर कई बहाने लगाया जाता है यत्र तत्र जिसके कारण रहता है, या कई दुकानदार ऐसे हैं जिसके कारण लगता है। आज हिलसा का अनुमंडल पदाधिकारी प्रवीण कुमार एवं DSP सुमित कुमार के नेतृत्व में बुलडोजर अतिक्रमणकारियों पर चलाया गया है, जिसके कारण आज यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से, चाहे फल दुकान हो चाहे आसपास जितने भी वाहन हैं यत्र तत्र थे, उन्हें हिलसा का अनुमंडल कार्यालय में ले जाया गया है या वैसे सरकारी स्थानों पर ले जाया गया। ये बड़ी हरकम मचा है हिलसा शहर के अंदर। हिलसा शहर में जाम की समस्या बना रहा था जिसको निजात को लेकर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। हिलसा के अनुमंडल पदाधिकारी प्रवीण कुमार एवं DSP सुमित कुमार के निर्देशानुसार वह खुद सड़कों पर उतरे थे और आप जो तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ लगी हुई है। अभी तुरंत यहाँ पर से कई पदाधिकारी गए हैं। इस मौके पर हिलसा थाना के थानाध्यक्ष अभिजीत कुमार, हिलसा अंचल के अंचलाधिकारी मोहम्मद इकबाल अहमद के अलावे अतिक्रमण हटाने का काम किया गया है। क्या कहना, अतिक्रमण हटाया गया है? देखिए, इससे जनता का आवन गवान के लिए फायदा है, लेकिन रोजगार जो किए हुए है उसको क्षति है। सरकार जगह दे, कहीं फुटपाथ बना दे, कहीं बस रुकने का जगह बना दे, बस अड्डा, बस स्टॉपेज है, टेम्पू स्टॉपेज है, ये सब दे दे बाजार। हम तो बढ़िया बात कह रहे हैं, क्या तो गवर्नमेंट हटना चाहिए। अच्छा हुआ, अच्छा तो होबे किया प्रशासन की ओर से बुलडोजर चलाया गया, कई गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है। वो तो गलत हुआ है, वो तो होना नहीं। आदमी है आते हैं और वो नोच देते हैं, वो बिक देते हैं, क्षति होता है। ठीक है, हटाने का है तो साल भर में एक बार दो बार आए हटाएं, बार बार परेशान करते हैं तो हम लोग कहाँ जाएँ? हम लोग को कुछ दिया जाए साधन तभी ना, हम कहाँ जाए गरीब आदमी, इसी से पांच को बच्चा पसाता है, यहाँ पर रहना सहना होता है। अतिक्रमण के लेकर सर हम लोग को ज़्यादा परेशानी है बस गाड़ी घोड़ा वाला के। अच्छा। हम लोग के कहीं स्थायी स्टैंड नहीं दे रहे हैं, हम लोग के परमिट वाला स्टैंड तो वहाँ पर है बना हुआ, उधर तो उधर हम लोग स्कूल के पास उस जगह हम लोग की गाड़ी जा ही नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग के स्टैंड इधर इधर बिहारी रोड में चाहिए, बिहारी रोड का बिहारी रोड में चाहिए जी। तो पुल के पास भी काफ़ी संख्या में जगह है तो मान लिया कि वो बस के वहाँ रुकेगा, छोटा गाड़ी सब यहाँ आएगा तो यहाँ से सवारी जाएंगे वहाँ पैदल। मैं आपका छोटू कुमार, किस लिए हिलसा कोर्ट में आए हुए हैं? आए हुए हैं अतिक्रमण वाला गाड़ी लेकर पकड़ लिया, लेकर कौन सी गाड़ी है आपकी? टाटा AC। टाटा AC, हाँ, हवा लेने के लिए रुके थे महादेव स्थान, इसलिए पकड़ लिए वो अतिक्रमण को लेकर। हाँ, सिर्फ से आ रहे थे पुल पर, गाड़ी पार कर रहे थे, खाली करके पैसेंजर उतार, प्रशासन है जो पैसा ले लेके ट्रक के पार कर देता है, हमने के बस चला में मारता पीटता है। SP इधर से गए, बोला कि फोर्स बैठा दिए, बोला के ले चलो अनुमंडल में गाड़ी, फाइन करेंगे।